नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बता दूं कि काफ़ी लोगों के हमें कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा इस ईयर का पेपर होगा या नहीं होगा और मेरा पेपर हो गया तो रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के हम आपको कमेंट में भी जवाब जो है वो दे देते हैं, लेकिन आज मैं खासकर उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि भई आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जैसे कोई अपडेट आता है हम आपके लिए वीडियो बना देते हैं, क्योंकि आप सभी हमारे अपने हैं और अपनों के लिए हम बिल्कुल सच्ची और सही खबर बनाते हैं। जैसे कोई हमें अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के माध्यम से या फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट की ओर से प्राप्त होता है, हम तुरंत उस पर वीडियो बना देते हैं, चाहे हमें दिन में 10 वीडियो बनाने पड़े, चाहे हमें दिन में एक वीडियो बनाना पड़े, हम आपको संपूर्ण जानकारी के सहित वीडियो प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पता चल सके, क्योंकि काफ़ी लोगों की परेशानी यही है कि उन्हें वीडियो नहीं पहुंच पाता है और वीडियो नहीं पहुंच पाता है तो वे YouTube पर कोई गलत वीडियो देख लेते हैं जिनसे उनको नुकसान होता है, यानी कि उसमें कोई गलत जानकारी दी गई होती है और वे उसको सच मान लेते हैं और फिर उस गलत जानकारी को पढ़कर सुनकर फिर हमारे चैनल पर कमेंट करने आते हैं कि क्या सर ये सही है, क्या सर ये गलत है और हमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया हमारे साथ और हमने ऐसा किया तो हमारे साथ ऐसा हो गया। तो मैं उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भैया आप केवल एक चैनल पकड़ लीजिए, उसका ये आप विश्वास कीजिए। और हमारा चैनल, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारा चैनल, आप कोई भी यूट्यूब का चैनल, लेकिन एक, क्योंकि अगर आप तरह तरह के यूट्यूब चैनल को जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ भटकना पड़ेगा, क्योंकि कोई कुछ अपलोड करता है और कोई कुछ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल सही और 100% सच्ची खबर ही जो है मिलती है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ और यहाँ पर ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये आया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप यहाँ पर प्रपत्र दिनांक देख सकते हैं, तो यहाँ पर 11/5/2021 यानी कि कल आया था ये लेट रात्रि में, तो रात में वीडियो नहीं बना पाया लेकिन अब आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सेवा में यानी कि किस किस को ये दिया गया है, समस्त प्राचार्य सचिव निदेशक समस्त संबद्ध महाविद्यालय तथा संस्थान चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ तथा साथ में समस्त विभाग अध्यक्ष समन्वयक निदेशक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये कैंपस वालों के लिए भी है और जो कॉलेज हैं उनके लिए भी है। तो यहाँ पर विषय जो है लिखा हुआ है कि COVID-19 के संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय एवं संबद्ध समस्त महाविद्यालय संस्थान परिसर को संचालित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश। तो महोदय, लिखा हुआ है यहाँ पर, महोदय कृपया उपयुक्त विषय शासन के निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय के प्रपत्र PA 36/12 दिनांक के द्वारा विश्वविद्यालय समस्त संबद्ध महाविद्यालय संस्थान परिसर को दिनांक 15/5 तक पूर्णतः बंद किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किया गया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पहले एक अपडेट आया था जिसमें 2 मई को ये अपडेट दिया गया था कि भई 15 तारीख तक सभी विश्वविद्यालय का कार्य बंद रहेगा और कोई भी कॉलेज नहीं खुलेगा, कोई छात्र नहीं आएगा, कोई कार्यालय में कार्य करने वाला लिपिक नहीं आएगा, कोई प्रधानाचार्य नहीं आएंगे और कोई टीचर भी नहीं आएंगे, समस्त जो शिक्षण कार्य था वो नहीं होगा। तो यहाँ पर अब नीचे लिखा हुआ है, उक्त क्रम में विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के प्रपत्र संख्या 1087 स्तर 3/21/80/2020 दिनांक 10 मई 2021 के द्वारा दिए गए निर्देशों एवं माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालय संस्थान परिसर दिनांक 20 मई तक पूर्णतः बंद रहेंगे तथा कार्यालय एवं शैक्षणिक विभाग तथा परिसर में कोई छात्र शिक्षक कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित नहीं होंगे, साथ ही इस अवधि में ऑनलाइन कक्षाएं भी स्थगित रहेंगी।
तो दोस्तों पहले आपकी जो ऑनलाइन कक्षाएं स्थगित की गई थी 15 तारीख तक की गई थी, कोई भी छात्र, कोई भी अधिकारी, कोई भी टीचर, कोई भी कर्मचारी जो नहीं आना था वो 15 तारीख तक था कि भाई 15 तारीख तक आप बिल्कुल भी कॉलेज में एंट्री नहीं लेंगे। और अब ये तारीख बढ़ाकर 20 मई कर दी गई है, यानी कि 20 मई तक आपको अब कॉलेज में जाना नहीं है, चाहे आप कर्मचारी हों, चाहे आप अधिकारी हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप छात्र हो, चाहे आप प्रिंसिपल हो, आपको बिल्कुल भी 20 तारीख तक कॉलेज में नहीं जाना है, ये यूनिवर्सिटी के आदेश हैं। अब नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है उपरोक्त आदेश मेडिकल एवं नर्सिंग महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगा, वे पूर्ण विभाति खुले रहेंगे। तो दोस्तों एक बड़ा अपडेट ये भी है, पहले जैसे एक अपडेट आया था कि भाई सभी कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, और उसके बाद फिर अगले दिन आया था कि भाई नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज जो है खुले रहेंगे, यथावत खुलेंगे। तो अब इसमें यहीं पर मेंशन कर दिया है कि भाई जो हमने ये आदेश जारी किया है ये अन्य कॉलेजों पर और लागू किया गया है, लेकिन ये मेडिकल तथा नर्सिंग महाविद्यालयों पर लागू नहीं होता है। नर्सिंग महाविद्यालय तथा मेडिकल महाविद्यालय जैसे खुले हुए थे वे यथावत वैसे ही कार्य करते रहेंगे, तो अतः उपरोक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। और यहाँ पर देखें प्रतिलिपि, कुलपति सचिव मुख्य सूचनार्थ प्रति कुलपति चौधरी चरण सिंह विद्यालय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ, प्रभारी वेबसाइट को सूचनार्थ आवश्यक कार्य हेतु प्रेक्षित विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता, और यहाँ पर भारतीय कुल सचिव जी के सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों आपके लिए, हमने इसको आपको बताया। तो ऐसे ही जैसे ही कोई भी अपडेट आता है हम आपको तुरंत उस पर वीडियो बनाकर दे देते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अब आपकी जो डेट है वो 15 नहीं 20 में हो गई है, यानी कि आपको 15 तक जो कार्य नहीं करने थे अब वो आपको 20 तक नहीं करने, यानी कि आपको 20 तक ना ही तो आपकी ऑनलाइन क्लास आएगी और ना ही आपको कॉलेज में जाना है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को शेयर करना अवश्य याद रखें। तो दोस्तों जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा घंटी को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको छोटे छोटे अपडेट भी चाहिए, यानी कि जिन अपडेट्स पर हम वीडियो नहीं बना पाते उनको हम अपने टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं ताकि सभी अपडेट आपको वहाँ पर मिल सकें। हम सभी प्रकार के PDF या सभी प्रकार के फ़ोटो नोट्स वहाँ पर सेंड करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलूँगा आपसे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।